देख मुझे नहीं पता वो वहां क्यों आई थी, उसने मुझे क्यों बचाया। तो जरूरत से ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने ये इश्क वाला लव, ये डिनायल, ये फीलिंग, ये सब बकवास बंद कर। मैं अपने दोस्त का ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी टूटने नहीं दे सकता। भाई मैं तो बस ये कह रहा था कि सोनू अभी यहाँ से गई, बहुत सैड थी। बट नाइस टू नो भाई, आप किस बारे में सोच रहे थे, कितनी डिटेल में सोच रहे थे? कहाँ गई वो? भाई अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा करना अपने लिए अच्छा हो तो? अरे यार भाई यार, इसकी कहाँ रह गई? जरा हंस देनी कुड़िए, जरा हंस देनी कुड़िए, जिस मोड़ उदासी हो उस मोड़ पे ना मुड़िए, आज हंस ले दुहाई है, रोना है कल सबको, कल तेरी विदाई है। अभी भी उदास है? दादी क्या हो गई? वो आ गई, वो सब बर्बाद कर देगी, वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती। कौन दादी? माँ। माँ। कोई नहीं है दादी, कोई नहीं माँ है। दादी दादी कोई नहीं है दादी, नहीं है दादी, मैं देख के आऊं दादी, कोई भी नहीं है। अभी देख के आया दादी। माँ जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे से बस एक गलत फैसला हुआ था, उसने एक गलत लड़की से प्यार किया था, जिसकी सजा आज तक हमारा खानदान भुगत रहा है। कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। आ गई दादी। कुछ नहीं होगा, इस घर में कोई भी दोबारा गलत फैसला नहीं लेगा, न मैं न कार्तिक न सोनू। कुछ पता चला? नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने और फोटोज भेजे? सोनू मुझे लगता है तुम्हें राज को सब बता देना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं जानती हूँ, पर मैं राज को कुछ नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं बता सकती। सोनू मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें समझेंगे नहीं, पर आई थिंक वो ओल्ड फैशन है। पर जब बात सही या गलत की आएगी ना, तो वो सही का ही साथ देंगे। इश्की मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, किसी कीमत पे नहीं। तुम्हें ना मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरा मर जाना ही सही था। ऐसे नहीं बोलते इश्क, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती, गलती किसी की भी हो ब्लेम मुझ पर ही आएगा। मेरी फैमिली मुझे डिसओन कर देगी, मेरी राज के साथ शादी टूट जाएगी, और अहान भैया वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा मेरी तुम्हें, शक्ल तक नहीं ऐसा देखेंगे। सिर्फ तुम्हें लगता है सोनू, ऐसा नहीं है। एक बार उनसे बात करके तो देखो। नहीं इश्की, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। इश्की जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अहान भैया को जानती हो, बट यू डोंट। उनके लिए फैमिली, फैमिली वैल्यूज, उनके मोरल सबसे आगे हैं। वो उनके अगेंस्ट जाकर खड़े कभी नहीं होंगे इश्की, इसलिए प्लीज
प्लीज ये दोनों शादियां पीसफुली हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ इश्की, डोंट डू दिस। सुन क्या करी थी तुमसे? कुछ नहीं ऐसी। सोनू क्या कह रही थी तुमसे? कहा ना कुछ नहीं। इश्की वो मुझे कोई एडवाइस चाहिए थी उसे। बात अधूरी छोड़ के मत जाओ। ये बात अधूरी रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। जब बात पूरी करने की हिम्मत ना हो तो शुरू भी नहीं करनी चाहिए। जब बात पूरी सुनने की हिम्मत ना हो तो भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये बात कैसे याद दिला रहे मुझे या अपने आप को? मुझे याद है। मुझे भी। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? आपको कुछ सुनना है? नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। तो मुझे कुछ नहीं कहना। सुबह ही तो लगाया था मासी। अरे तब से लेके अब तक किसी ने नजर लगा दी होगी तो? आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। मेरी इश्की है ही इतनी सुंदर। जी हाँ आपकी इश्की है ही इतनी सुंदर। मेरी इश्की नहीं हमारी इश्की। इश्की हमारी हो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी नहीं रही। मैं कितना लकी है ना जो उसकी इश्की के साथ शादी हो रही है। सुन लिया तेरी शादी मयंक से हो रही है फिर क्यों एवीएम के बारे में सोच रही है? अरे हाँ ये लहंगा है बेटा इसकी फिटिंग ट्राई कर लेना। हाँ ये लो। जी आंटी। अच्छा मुझे काम है मैं आती हूँ फिर। ओके बाय। अरे अरे संभल के तू मंडप पहुंचने तक चूड़ा नहीं देख सकती। क्या हुआ तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तुझे पता है मेरी और तेरे मासा जी की लव मैरिज थी और 2 साल में सारा प्यार धुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शादी सारी उम्र का सौदा होता है और प्यार मेहमान आता जाता रहता है लेकिन दोस्ती और भरोसा वो आपके अपने होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अगर दोस्ती और भरोसा है तो शादी कर ले प्यार अपने आप हो जाएगा और
अब तो माइंड भी बहुत बदल गया है ना, कितना कुछ तो करता है वो। करता है, पर ईवीएम के कहने पे। पर करता तो है ना। अहान से आना है, उसने बहुत कुछ देखा इसलिए समझता है, और उसके साथ रह रहकर मयंक भी समझ जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि वो कोशिश कर रहा है तेरे लिए, बस इतनी बात याद रख। हमेशा उस बंदे से शादी करो जो आपका दोस्त बन सके। प्यार तो सोडी की झाग है, बहुत जल्द आता है और बहुत जल्द चला भी जाता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.